आज मैं आपको अपनी नई वीडियो के बारे में बताऊंगी, जिसमें ऑरेंज के छिलकों के बारे में उसके फ़ायदे बताए जाएंगे। ये हैं फ्रेश ऑरेंज, इसको सुखा के इसके स्क्रब भी बनाया जाता है। अभी ये आपको मैं फ्रेश ऑरेंज के छिलकों का स्क्रब बना के बताऊँगी। मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, मैं आपको इसका पेस्ट दिखाऊँगी। ये कुछ इस किस्म का बन गया है। अब मैं ये आपको अब अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक चम्मच मैंने लिया है ये इसका पेस्ट ऑरेंज के छिलकों का, फ्रेश ऑरेंज के छिलके हैं ये। इसके अंदर एक चम्मच शहद ऐड करूंगी मैं। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी हनी, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, मेरे पास योंग कंपनी की है। एक चम्मच इसमें हमने हनी ऐड करनी है। हाफ चम्मच भी ले सकते हैं, इसका मिक्सचर बनाना है। और इसमें एक चम्मच मिल्क का भी ऐड करेंगे। अब मैं आपको इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये देखें, एक बेहतरीन स्क्रब है, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है। इसको हम इस तरह से सर्कल मूवमेंट में करेंगे अप्लाई, और इसको थोड़ी देर लगा रहने देंगे। उसके बाद इसको वॉश करके देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, मैं इसको वॉश करके आई हूँ। 5 मिनट के बाद स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और ग्लो कर रही है। इसको आप फेस पे अप्लाई करें, हैंड्स पे अप्लाई करें, नेक पे करें अप्लाई, तो स्किन बहुत अच्छी यंग और ग्लो लुक देगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी, अब मैं आपको दूसरा सेकंड बताऊंगी, किन्नों के छिलके ड्राई करके उसका फेस मास्क। ये किन्नों के छिलके लिए थे, इसको मैंने एक हफ़्ता सुखाया और उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की बन गई, ब्राउन और कुछ इस किस्म की। इसको मैंने फिर ग्राइंड करके रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी ग्राइंड करके शक्ल कुछ इस किस्म की बनी है। ये देखें, थोड़ा भुरभुरा सा है ये। एक चम्मच मैंने ये लिया फेस मास्क के लिए। इसके अंदर एक चम्मच मैंने आधा चम्मच चावल का आटा ऐड किया, चावल का आटा। और इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड करना है 2 से 3-4 चम्मच तक, इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए, स्मूथ सी। उसको आप फेस पे अप्लाई करें, इससे फेस बहुत ही अच्छा और ग्लो करेगा। ये भी एंटी एजिंग है। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छा सा मास्क बन गया किन्नों के ड्राई छिलकों का। इसको ऐसे मोटी मोटी सी लेयर लगा के कम से कम 20 से 25 मिनट तक फेस पे लगाएं, उसके बाद इसको ताज़े पानी के साथ अपना फेस वॉश कर लें। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी, शाइन करेगी और वाइटिंग भी है। और इसको आपने डेली यूज़ करना है, डेली बेस पे। डेली लगाने से आपके स्किन पे जल्दी इसका इफेक्ट होगा। ये मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैं अपने हाथ वॉश करके आई हूँ और स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है और कलर भी फेयर लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और मास्क बताती हूँ, वो भी स्किन मास्क है। इसमें भी ऑरेंज के छिलके ही यूज़ होंगे, ये जो मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं। इसके अंदर ये जो मास्क बन रहा है, ये एंटी एजिंग है, आपके रिंकल्स के लिए, आपकी स्किन ड्राई हो रही हो, रफ़ हो रही हो, या फेस पे कोई छाइयाँ हो किसी भी किस्म की, ये उसके लिए। इसके लिए एक चम्मच मैंने ये ऑरेंज के छिलके लिए हैं। इसमें आधा चम्मच मैं हल्दी लूँगी, देखो थोड़ी सी। और इसके अंदर इसकी पेस्ट बनाने के लिए इसमें दही ऐड करूँगी। दही कलर को फेयर करती है और इसके और भी बहुत से फ़वाद हैं। इसकी पेस्ट बन जाएगी। और इसके अंदर आधा चम्मच हनी भी यूज़ करूँगी। हनी आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, मरहबा की, योंग्स की, मैं योंग्स की यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हनी रिंकल्स भी ख़त्म करती है, फेस को फ्रेश करती है, ग्लो करती है
अब मैं आपको इसका पेस्ट देखें कैसे इस तरह का इसका पेस्ट बनना चाहिए। फुल अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप स्किन पर अप्लाई करें। ये 1 वीक में आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इस मास्क को। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये मास्क भी ऐसे थोड़ी सी लेयर, मोटी लेयर में लगाना है। ये भी ऐसे 20 मिनट तक फेस पे लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको ताज़े पानी से धो लें। और ये एक तरह से स्क्रब भी है, जब आप अपना फेस वॉश करें तो इसको सर्कल मूवमेंट में इस तरह से स्क्रबिंग करके उसके बाद अपना फेस वॉश करें। इसके बाद आप अपने फेस को देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लुक देगा। एंटी एजिंग है, इससे आपके फेस की छाइयाँ और दाग धब्बे, एक्नीस, इस तरह के मसाइल सब हल हो जाएंगे। ये देखें, मैं 20 मिनट लगा के आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इसको हाथ को वॉश करके आई हूँ और बड़ी अच्छी ग्लोइंग और वाइट सी स्किन हो रही है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जिनकी अब शादी जल्द होने वाली है, वो दुल्हनें, वो लड़कियाँ ये मास्क और ये स्क्रब वगैरह यूज़ करें तो उनकी स्किन शादी वाले दिन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।